हेलो स्टूडेंट्स साइंस में चैप्टर फोर शॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप्स इसमें स्टूडेंट्स हम मटेरियल्स की प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे किस किस मटेरियल में कौन सी प्रॉपर्टी पाई जाती है जिसमें हम अप्रेंस के बारे में स्टडी कर चुके थे कि दिखाई देने में सब मटेरियल साइनी होते हैं सब मटेरियल डल होते हैं इसके बाद हमने हार्डनेस प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि सब मटेरियल सॉफ्ट होते हैं वाइल अदर्स हार्ड होते हैं इसके बाद फ्रेंड्स हमने सोलेबल एंड इन सोलेबल प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि सम मटेरियल वाटर में सोलेबल हैं और सम अदर्स इन सोलेबल हैं लास्ट टाइम फ्रेंड्स हमने मटेरियल्स की वाटर के साथ प्रॉपर्टी डिस्कस की थी कि फ्लोट और सिंक किस सब मेटेरियल्स वाटर पे फ्लोट होते हैं वाइल अदर से सिंक हो जाते हैं आज हम स्टूडेंट्स मेटेरियल की एक खास प्रॉपर्टी डिस्कस करेंगे ट्रांसपेरेंसी ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है स्टूडेंट्स कि ऑब्जेक्ट के आर पार हम कितना देख पाते हैं उसी बेस पर ट्रांसपेरेंसी निर्धारित की जाती है ट्रांसपेरेंसी के बेस पर मटेरियल्स को थ्री कैटेगरी में थ्री ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है शोर्टिंग की जाती है आइए इसे डिटेल में स्टडी करें यू माइट हैव प्लेड द गेम ऑफ हाइड एंड सिक थिंक ऑफ सम प्लेसेज वेयर यू वुड लाइक टू हाइड सो दैट यू आर नॉट सीन बाई अदर्स वाई डिड यू चूज दोज प्लेसेज कि फ्रेंड्स आपने हाइड एंड सिक यानी लुका छुपी का गेम जरूर खेला होगा तो जब हम छुपते हैं तो ऐसे प्लेस को क्यों चूज करते हैं जहां हमें कोई नहीं देख पाता है हम ऐसे ही प्लेस पे क्यों छुपना चाहते हैं जहां दूसरे हमें ना देख पाए ये ताकि हम गेम में जीत जाए वुड यू हैव ट्राइड टू वुड यू हैव ट्राइड टू हाइड बिहाइंड ए ग्लास विंडो कि क्या उस समय आप किसी ग्लास विंडो के पीछे छुपना चाहोगे ऑब्वियसली नोट कि नहीं एज यूर फ्रेंड्स कैन सी थ्रू दैट एंड स्पोर्ट यू क्योंकि ग्लास विंडो में हम क्लियर दिखाई दे जाएंगे और हमारा फ्रेंड हमें आसानी से देख पाएगा और हमें ढूंढ लेगा इसलिए हम ऐसा ऑब्जेक्ट ऐसे मटेरियल के पीछे छुपते हैं ताकि हमारा फ्रेंड हमें ना देख पाए कैन यू सी थ्रो ऑल द मटेरियल्स कि क्या हम फ्रेंड्स सभी मटेरियल के आर पार देख सकते हैं नो no. दो सब्सटैंसेज और मटेरियल्स थ्रो विच थिंग्स कैन बी सीन आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट कि स्टूडेंट्स ऐसे सब्सटेंस या ऐसे मटेरियल जिनके आर पार हम देख पाते हैं उनको क्या कहते हैं ट्रांसपेरेंट फिगर फोर पॉइंट सेवन में ट्रांसपेरेंट मटेरियल के में एग्जाम्पल भी दिए गए हैं जैसे ग्लास वाटर Air and some plastics are examples of transparent materials. Shopkeepers usually prefer to keep biscuits, sweets, and other eatables in transparent containers or of a glass, of or plastic so that buyers can easily see these items. फिगर फोर पॉइंट एट में इस ब्रेंड्स हमें ट्रांसपेरेंट बोटल्स दिखाई गई हैं जार दिखाए गए हैं कि किसी शॉप की में रखे हुए कि शॉप कीपर क्या करता है कि ट्रांसपेरेंट जार का यूज करता है ताकि कस्टमर आसानी से देख सके कि उसकी शॉप पर क्या क्या ईटेबल चीज़ें रखी हुई हैं फिगर फोर पॉइंट सेवन में हमें इन मटेरियल्स के बारे में बताया गया कि जो ट्रांसपेरेंट मटेरियल है स्प्रेंड्स उसके आर पार हम क्लियरली देख पाते हैं तो भूजो ने अपने हाथ में इस फिगर में ट्रांसपेरेंट मटेरियल लिया हुआ है जिसमें वो क्लियर देख पा रहा है हमें भूजो का फेस इस फिगर में क्लियर दिखाई दे रहा है ऑन द अदर हैंड देर आर सम मटेरियल्स थ्रो विच यू आर नोट एबल टू सी दीज मटेरियल्स आर कार्ड ओपिक्यू यू कैन नॉट टैल वट इज कैप्टन ए क्लोज वुडन बॉक्स ए कार्डबोर्ड कार्टून और ए मेटल कंटेनर वुड इन कार्डबोर्ड एंड मेटल आर एग्जाम्पल्स ऑफ ओपिक्यू मेटेरियल्स कि इसके अलावा स्टूडेंट्स सम मेटेरियल्स ऐसे होते हैं जिनमें से हम बिल्कुल भी नहीं देख पाते सो स्टूडेंट्स इन मटेरियल्स को दीज मटेरियल्स आर कार्ड ओपे क्यू ओपे क्यू मैटी कहा जाता है इसके एग्जाम्पल हैं वुडन बॉक्स मेटल कंटेनर तो इस तरह के स्टूडेंट्स मेटेरियल्स ओपे क्यू कहलाते हैं जैसे फिगर फोर पॉइंट सेवन में हम ओपे क्यू मेटेरियल का एग्जाम्पल भी देख सकते हैं जो फर्स्ट फिगर है ये ओपेक् मेटेरियल लिया हुआ है बुजों ने अपने हाथ में जिसमें से वो बिल्कुल भी नहीं देख पा रहा है हमें बुजों का फेस भी बिल्कुल दिखाई नहीं दे रहा है इसके आर पार सो स्टैंड्स इस तरह से ट्रांसपेरेंसी के बेस पर सब मेटेरियल्स ट्रांसपेरेंट होते हैं सब अदर्स ओपेक् होते हैं आगे स्टूडेंट्स डू यू फाइंड दैट वी कैन ग्रुप ऑल मैटेयल्स एंड ऑब्जेक्ट्स विदाउट एनी कन्फ्यूजन एच आइदर ओपेक्वू और ट्रांसपेरेंट सो स्टैंड्स अब आप समझ गए होंगे कि ट्रांसपेरेंट मैटेयल्स में से हमें कलियर दिखाई देता है जबकि ओपे क्यू मैटेयल्स में से हमें बिल्कुल भी दिखाई नहीं देता सो so, स्टैंडस क्या इस बेस पर हम मैटरियल्स को ग्रुप में डिवाइड कर सकते हैं यस yes, इजली कर सकते हैं एक्टिविटी सिक्स टेक ए सीट ऑफ पेपर एंड लुक थ्रो इट टुआर्ड्स ए लाइटेड बल्ब मेक ए नोट ऑफ योर ऑब्जरवेशन कि हमने स्प्रेंड्स एक पेपर की सीट ली कोई पेपर है उसकी सीट में से हमने किसी लाइटेड बल्ब की ओर देखा क्या हम उसे ऑब्जर्व कर पा रहे हैं लाइटेड बल्ब को नाउ पुट टू और थ्री ड्रॉप से of some oil and spread it on the sheet of paper look again towards the lighted bulb through that portion of the paper on which the oil has been spread do you find that the bulb is more clearly visible than before कि उसके बाद स्टूडेंट्स हमने पेपर पर टू तो और थ्री ड्रॉप से ऑयल की डाली उसे थोड़ा स्प्रेड किया फैला दिया और फिर उसे पार्ट में से ऑयली पार्ट में से हमने लाइटेड बल्ब को फिर से देखा डू यू फाइंड दैट बल्ब इज़ मोर क्लियरली विजिबल देन बिफोर कि क्या बल्ब पहले की बजाय ज़्यादा क्लियरली दिखाई दे रहा हमें Yes, हमें पहले की बजाय ज़्यादा क्लियरली दिखाई देगा बट फ्रेंड इतना क्लियर भी दिखाई नहीं देता जितना ट्रांसपेरेंट में से दिखाई देता है बट कैन यू सी क्लियरली थ्रो द ओल्ड पेपर इज एवरी थिंग ऑन द अदर साइड ऑफ इट विजिबल कि क्या उसके अदर साइड के है? जो ऑब्जेक्ट हैं वो विजिबल यानी दिखाई दे रहे हैं पर हैप्स नोट बिकॉज रेंट वो ट्रांसपेरेंट नहीं है बिल्कुल क्लियर दिखाई नहीं देगा द मटेरियल थ्रो विच ए ऑब्जेक्ट्स कैन बी सीन बट नोट क्लियरली आर नोन एज ए ट्रांसुलेंट तो थर्ड टाइप के मेटेरियल होते हैं इसमें ट्रांसलुसेंट जो कि ना तो ट्रांसपेरेंट है और ना ही ओपेक्यू मीडियम है, ट्रांसलुसेंट कहलाते हैं जिसे हम उसी फ्यूज फिगर में देख सकते हैं फिगर फोर पॉइंट सेवन में तीनों मेटेरियल्स के एग्जाम्पल दिए गए हैं ओपे क्यू ट्रांसपेरेंट ट्रांसलूसेंट इसमें थ्री फिगर्स हैं स्टूडेंट्स फर्स्ट जो फिगर है उसमें बूझो ने ओपे क्यू मैटेयल लिया हुआ है ओपे क्यू मटेरियल्स में से वो देख रहा है थर्ड फिगर में ट्रांसपेरेंट मटेरियल है और सेकेंड फिगर में जो धुंधला दिखाई दे रहा है उसमें ट्रांसलूसेंट ट्रांसलुसेंट मटेरियल लिया हुआ है तो स्टैंड ट्रांसपेरेंसी के बेस पर थ्री कैटेगरी होती हैं ट्रांसपेरेंसी जो प्रॉपर्टी है मटेरियल्स की उसके बेस पर मटेरियल्स को थ्री कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं कौन कौन सी यस रिमेम्बर द ऑयली पैच ऑन पेपर व्हेन वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर प्रेजेंस ऑफ फैट्स दैट वॉज़ ट्रांसलुसेंट टू कैन यू थिंक ऑफ सम मोर एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसलुसेंट मटेरियल्स कि स्टूडेंट्स हमने फूड आइटम का टेस्ट करते समय कि फैट कंपोनेंट है या नहीं प्रीवियस चैप्टर्स में इसी तरह से एक पेपर लिया था और उसमें फूड आइटम को रैप किया था तो अगर ऑयली पैच बन जाते हैं तो उससे फूड आइटम में फ़ैट होता है आपको ये बात ज़रूर याद होगी तो वो पेपर का पीस ट्रांसलूसेंट कहलाएगा क्योंकि उसमें से ना तो कलियर दिखाई दे पा रहा है और ना बिल्कुल दिखाई और ना ही ऐसा है कि बिल्कुल दिखाई ना दे उसमें से हमें धुंधला दिखाई देता है इस तरह के और कौन से एग्जाम्पल हो सकते हैं स्टूडेंट्स यस जैसे एक वायर मैस होती है खिड़की पे जो जाली लगाई जाती है जिससे मॉस्किटो अंदर ना आँसकें उस जाली में से भी हमें बिल्कुल कलियर दिखाई नहीं देगा थोड़ा सा धुंधला दिखाई देता है इसी तरह से स्टूडेंट कुछ प्लास्टिक्स की सीट ऐसी होती हैं जिनमें से हमें कलियर दिखाई नहीं देता उसमें से भी हमें धुंधला दिखाई देता है या यूं कहें पोल्थीन बैग्स होते हैं जो कि पोल्थीन बैग में से भी हमें धुंधला दिखाई देता है तो पोलथीन बैग भी इसका एक एग्जाम्पल हो सकता है वी कैन देअर फॉर ग्रुप मटेरियल्स एज ओपी क्यू ट्रांसपेरेंट एंड ट्रांसलूसेंट सो so, स्टूडेंट इस बेस पर हम मेटेरियल्स की कैटेगरी यानी ग्रुप बना सकते हैं सो so, स्टेंट्स आपको आज ये लर्न कर लेना है रिवाइज़ कर लेना अच्छे से और आगे इस चैप्टर को रीड कर लेना इसके कीवर्ड्स भी बचते हैं समरी और एक पैराग्राफ बचता है और कुछ क्वेश्चन हैं उनको भी एक बार आप रीड कर लेना नेक्स्ट टाइम हम इनको डिस्कस करेंगे ओके स्टूडेंट थैंक यू